Hello dear student, a very happy morning all of you. How are you all? I hope you all are safe and sound at your home. So today we are going to start our new chapter number 5, the human body. What is the name of our chapter? The human body. ओके तो आज का क्लास में हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके सो चलो अभी सी व्हाट इज दिस. अभी आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हो? व्हाट इज दिस? दिस इज ए टॉय कार. दिस इज ए टॉय कार. देखो ये टॉय कार है ना, तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. देखो जैसे ये व्हील है ना, इसमें फोर व्हील है ना, यहाँ पे फिर बीच में बैठने के लिए सीट है, स्टेयरिंग है, यहाँ पे देखो विंडो है ना, खुले हुए विंडो है, स्टेयरिंग है, फिर ये व्हील है. ये सब क्या है? इसका पार्ट्स है ना, ये जो कार है उसका टॉय कार है ना, इसका पार्ट्स है. ये व्हील, ये सीट, स्टेयरिंग, ये विंडो, ये सब ये कार का पार्ट्स है ना. तो वैसे ही हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है वो भी लाइक अ मशीन होता है ना. जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसका भी बहुत सारे पार्ट्स है. आप सबको ऑलरेडी पता होगा है ना, हमारे बहुत सारे पार्ट्स है हमारे बॉडी के. तो जैसे ये कार है, टॉय कार है, उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वैसे हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसका भी बहुत सारा पार्ट्स होता है. आपको ऑलरेडी पता है. अभी मैं आपको कुछ हमारा पार्ट्स दिखाऊंगी, आपको गेस करना है वो कौन सा है. ओके चलो सबसे पहले सी व्हाट इज दिस. व्हाट इज दिस? दिस इज अ हैंड. दिस इज हैंड. वी हैव टू हैंड्स है ना, वन हैंड टू हैंड, वन हैंड एंड टू हैंड. तो दिस इज अ हैंड. तो दिस इज ए पार्ट ऑफ आवर बॉडी. ये हमारा बॉडी पार्ट है. दिस इज ए हैंड. ओके तो हम एक एक पार्ट को देखेंगे और यहाँ पे जो है यहाँ पे रखते जाएंगे. ओके देन व्हाट इज नेक्स्ट? सी व्हाट इज नेक्स्ट? दिस इज ए आईज. दिस इज आवर आईज है ना. वी हैव टू आईज, वन आईज टू आईज, वन आईज टू आईज. सो वी हाउ मेनी आईज डू यू हैव? टू आईज. हाउ मेनी आईज डू यू हैव? टू आईज. वन आईज टू आईज. सो आईज इज ऑल्सो आवर बॉडी पार्ट. ह्यूमन का बॉडी पार्ट है. ओके सो दिस इज आवर आईज. सी मैंने यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ किया है. ये बॉयज का पिक्चर है और ये गर्ल्स की पिक्चर है ना. यहाँ पे मैं आपको बॉडी पार्ट अभी शो करूंगी. ओके चलो देन नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट बॉडी पार्ट इज सी. व्हाट इज दिस? व्हाट इज? गेस व्हाट इज दिस? दिस इज आवर लिप्स. दिस इज आवर लिप्स. ओके दिस इज आवर लिप्स. ओके तो ये क्या है? ये हमारा लिप्स है. लिप्स इज ऑल्सो वन ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग है ना. हम सबका लिप्स होता है ना, तो ये क्या है? लिप्स है. ओके चलो देन व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट वन इज सी. व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज अ नोज. दिस इज नोज. नोज में हम क्या करते हैं? स्मेल करते हैं. स्मेल करते हैं ना, कोई भी चीज हम कहाँ से स्मेल करते हैं? नोज में. तो हमारा दिस इज आवर नोज. ओके देन हमारा जो बॉडी है उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना. नाउ सी व्हाट इज नेक्स्ट? दिस इज आवर फिंगर. दिस इज आवर फिंगर. पहले मैंने आपको बताया था हैंड बताया था, तो दिस इज आवर फिंगर. सो वी हैव टू हैंड्स है ना, वन हैंड टू हैंड, वन हैंड टू हैंड. वन हैंड में कितने फिंगर्स है? फाइव. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. सो वी हैव टेन फिंगर्स इन आवर हैंड. वन हैंड टू हैंड. वन हैंड में फाइव फिंगर, देन सेकेंड हैंड में फाइव फिंगर. तो
how many fingers do you have? 10 fingers in your hand. We have 10 fingers in our hand. Okay, so this is a finger. Okay, so these all are our parts of our body. Okay, now see what is this. Now guess. Next one is C. What is this? What is this? This is our teeth. This is our teeth. Show me your teeth. Show me your teeth. तो this is our teeth. देखो यहाँ पे teeth है ना? ये हमारा lips है और यहाँ पे teeth है. ये हमारा internal part है. ये अंदर होता है ना? हमारा जो teeth होता है वो face के अंदर होता है ना? इसलिए ये हमारा internal body part है. तो do you brush your teeth every day? आप हम रोज brush करते हो? So this is the teeth. This is the internal body part है ना? ये अंदर है, face की अंदर है, इसलिए ये internal body part है. Okay. Then next one is C. What is this? Guess what is this? Yes, this is our tongue. Show me your tongue. Show me your tongue है ना? तो ये हमारा क्या है? Tongue है. टोंग है ना, हम सब टोंग में क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं. कुछ भी चीज हम खाते हैं वो टेस्ट कौन करता है? टोंग है ना. कोई भी चीज स्वीट है, फिर बिटर है, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, वो कौन टेस्ट करता है? टोंग. टोंग क्या करता है? टेस्ट करने में हमें हेल्प करता है ना. तो दिस इज ऑल्सो अवर बॉडी पार्ट. ये भी इंटरनल बॉडी पार्ट है ना, वो भी अंदर है, मुंह के अंदर है ना हमारा टोंग. तो दिस इज अवर इंटरनल बॉडी पार्ट. ओके, देन गेस नेक्स्ट सी, व्हाट इज दिस? दिस इज आवर आर्म्स. दिस इज आवर आर्म्स है ना. वी हैव टू आर्म्स. देखो वी हैव टू आर्म्स है ना, स्ट्रोंग आर्म है ना. आप सबके स्ट्रोंग आर्म, स्ट्रोंग आर्म. वन आर्म, टू आर्म. वन आर्म, टू आर्म. वी हैव टू आर्म्स. ओके, दिस इज ए स्ट्रोंग आर्म. दिस इज ऑल्सो आवर बॉडी पार्ट. नाउ सी, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज आवर ईयर. ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज ईयर. ईयर में क्या करते हैं? वी कैन लिसन है ना. कोई कुछ भी बोलता है हम कहाँ से सुनते हैं? ईयर से. वी हैव टू ईयर्स ना. वन ईयर, टू ईयर. वन ईयर, टू ईयर है ना. सो हाउ मेनी ईयर डू यू हैव? टू ईयर. वन ईयर, टू ईयर. वन ईयर, टू ईयर. ओके, सो दीज आर आवर ईयर्स. ओके, वी कैन लिसन इन विथ आवर ईयर. हम कान से, ईयर से क्या करते हैं? कोई कुछ भी बोलता है तो हम कहाँ से सुनते हैं? ईयर से सुनते हैं. हाउ मेनी ईयर्स डू यू हैव? वन, टू. वन एंड टू. ओके, सो अभी मैं जो भी आपको दिखा रही हूँ ये सब हमारा बॉडी पार्ट्स है. ओके, तो देखो नाउ नेक्स्ट वन इज हेयर. देखो ये वाला, देखो ये हेयर है ना. ये भी हमारा बॉडी पार्ट्स, सब में हेयर होते हैं ना. किसी का लॉन्ग हेयर होता है, किसी का शॉर्ट हेयर. देखो सी, आई हैव लॉन्ग हेयर एंड सम ऑफ यू हैव शॉर्ट हेयर है ना. आई हैव लॉन्ग हेयर एंड सम ऑफ यू हैव शॉर्ट हेयर लाइक दिस. सो दिस इज हेयर, दिस इज हेयर. दिस टू आर हेयर, लॉन्ग हेयर, शॉर्ट हेयर. लॉन्ग हेयर एंड शॉर्ट हेयर है ना. तो दिस इज ऑल्सो आवर बॉडी पार्ट. नाउ सी, दिस इज आवर हेड. दिस इज आवर हेड एंड दिस इज आवर हेयर. दिस इज आवर हेड, दिस इज आवर हेड एंड दीज आर द सोल्जर. मूव योर सोल्जर, मूव योर सोल्जर. अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. मूव योर सोल्जर, अप डाउन, अप डाउन. सो दीज आर द सोल्जर, शोल्डर्स है ना. तो ये हमारा हेड, देन हेयर, देन शोल्डर. ओके, देन नेक्स्ट वन इज सी, दिस इज आवर लेग. दिस इज आवर लेग है ना.
how many legs do you have? Two legs. Dekho, this is the legs. Two legs. One leg, two leg. One leg, two leg. Everybody have two legs, na? One leg and two leg. Na? This is called feet. जो हमारे leg होते हैं, उसका जो front part होता है, उसको क्या बोलते हैं? हमारा जो feet होता है, उसका जो front part होता है, उसको क्या कहा जाता है? Toe, है ना? तो ये हमारा leg है. One leg, two leg. One leg, two leg. है ना? So we every human, वो girl हो या boy, we have two hand, two hand, two leg, two eyes, two ear, है ना? We have two eyes, two ear, two hand and two leg. So ये हमारा two two होता है. Okay? So these are the body parts. देखो यहाँ पे मैंने picture भी draw किया है. Two है boy के लिए और girls के लिए, है ना? तो ये जो सब है हमारा body parts है. जैसे ear, फिर यहाँ से head, then hair, then ear, eyes, lips, teeth, tongue, then shoulder, then hand, then leg. ये सब हमारा body parts है. ये सब body parts हमें कुछ ना कुछ करने के लिए help करते हैं ना. हर एक body part हमें कुछ ना कुछ करने के लिए help करते हैं. ये हम आगे हमारा जो chapter आएगा उसमें हम कर देखेंगे कि कौन सा बॉडी पार्ट हमें किस काम के लिए हेल्प करता है. कौन सा बॉडी पार्ट हमें किस काम के लिए हेल्प करता है. ओके, आई होप आप सबको ये जो एक्टिविटी मैंने अभी कराई अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा कि हमारा जो बॉडी पार्ट है वो कौन कौन सा बॉडी पार्ट है और वो कैसे हमें हेल्प करते हैं. ओके, तो अभी हम ये सारे जो बॉडी पार्ट है देखो ये मैंने अभी सब ये बॉक्स में डाल दिया. ओके, तो ये दिस ऑल आर आवर बॉडी पार्ट्स. जैसे मैंने आपको बताया ये टॉय कार है, इसके जैसे पार्ट्स होते हैं. जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है उसका भी वैसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि बॉडी पार्ट्स क्या है. अभी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हमेशा हार्डवर्ड लिखवाते हैं, है ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर का हार्डवर्ड लिखवाएंगे. ओके, चलो नाउ एवरीवन टेक आउट योर एसएस टेक्स्ट बुक एंड ओपन नोटबुक. सॉरी, नो हार्डवर्ड हमें कहाँ लिखवानी है, 5 नंबर की नोटबुक में लिखानी होती है. तो टेक आउट योर नोटबुक एंड राइट डाउन द हार्डवर्ड्स. ओके,
अभी हमें क्या करनी है, हमने एक्टिविटी देखा कि हमारा जो बॉडी पार्ट है वो कौन कौन सा हमारा बॉडी पार्ट है, एंड अभी एक्टिविटी हमने करवाया, हार्ड वर्ड्स भी लिखवाया है ना। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम चैप्टर का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, तो देखो ये जो हमारा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, द ह्यूमन बॉडी। आपको क्या करना है, आपको भी अभी मैम के साथ साथ फिंगर रख के यहाँ पे रीड करनी है। तो देखो, फर्स्ट वन इज द ह्यूमन बॉडी इज लाइक ए वंडरफुल मशीन। द ह्यूमन बॉडी इज लाइक ए वंडरफुल मशीन। वी कैन डू सो मेनी थिंग्स विथ इट। वी कैन थिंक, सी, हियर, स्मेल, स्पीक, eat, touch, walk, run, sit, swim, read, write, etc. Okay? तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो इज लाइक ए वंडरफुल मशीन। जैसे मशीन में
बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वैसे हमारा जो और मशीन बहुत कुछ काम करता है, हर एक मशीन का अलग अलग काम होता है ना, तो वैसे जो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो भी एक बहुत अच्छा मशीन है ना, और उसका हर एक पार्ट बहुत कुछ डिफरेंट डिफरेंट काम करता है। जैसे वी कैन थिंक, हम थिंक कर सकते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करनी, हमें ब्रेन हमारा काम करता है ना। वी कैन सी विथ आवर आईज, वी कैन हियर विथ आवर वी कैन हियर विथ आवर ईयर्स, वी कैन स्मेल विथ आवर नोज, वी कैन स्पीक विथ आवर माउथ, माउथ से हम बोल सकते हैं, वी कैन ईट, हम खाना भी खा सकते हैं, वी कैन टच, हम छू सकते हैं, वी कैन वॉक, हम चल सकते हैं, वी कैन रन, हम दौड़ सकते हैं, वी कैन सीट, हम बैठ सकते हैं, वी कैन स्टैंड अप, हम उठ सकते हैं, वी कैन स्विम, हम स्विम भी कर सकते हैं, वी कैन रीड, वी कैन राइट, वी कैन लर्न, हम बहुत कुछ करते बहुत कुछ हम कर सकते हैं। वी कैन थिंक, वी कैन लर्न, वी कैन रीड, वी कैन राइट, वी कैन स्मेल, वी कैन टेस्ट एनीथिंग विथ हेल्प ऑफ आवर टंग, हम टंग के हेल्प पे टेस्ट कर सकते हैं, लेग के हेल्प से दौड़ सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, फिर हमें जैसे वी कैन स्पीक, हम माउथ के मदद से स्पीक बोल सकते हैं, नोज स्मेल विद द हेल्प ऑफ आवर नोज, ये सब हम बहुत कुछ एक्टिविटी हमारे बॉडी पार्ट्स, ये देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है बॉडी पार्ट्स का है ना, तो यहाँ पे हर एक बॉडी पार्ट्स का नेम भी लिखा है, तो हम हर एक बॉडी पार्ट का यूज करके बहुत कुछ काम कर सकते हैं ना, हर एक बॉडी पार्ट का यूज करके हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। देन आवर आर्म्स आर कॉल्ड लिम्स, मैंने आपको बताया था आवर आर्म्स, ये देखो इसका आर्म है ना, तो आर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड लिम्स, वी हैव फोर फिंगर्स एंड वन थंब इन ईच हैंड, वी हैव टू हैंड्स है ना, वी हैव टू हैंड्स, वन टू, सो वी हैव फोर फिंगर्स एवरी हैंड, देखो वन टू थ्री फोर, फोर फिंगर है, दिस इज कॉल्ड थंब, दिस इज कॉल्ड थंब, बोथ हैंड में हमारा फोर फोर फिंगर होते हैं और वन वन थंब होते हैं, फोर फिंगर वन थंब है ना, तो हर एक हैंड में हमारा फोर फिंगर और वन वन थंब होता है। ओके, द फ्रंट पार्ट ऑफ द फुट इज कॉल्ड द टॉय, देखो दिस इज अ लेग, ये बॉडी पार्ट है, दिस इज अ लेग है ना, वी हैव टू लेग्स, वन लेग टू लेग, तो यहाँ पे जो जो फ्रंट पार्ट है उसको क्या कहते हैं, टॉय कहते हैं ना, टी ओ ई, टॉय कहते हैं। देन वी मस्ट ब्रश बाथ एंड एक्सरसाइज डेली, we should wear clean clothes, we should keep our surrounding clean, ये तो हमने पहले भी हमारा जो नेबरहुड का चैप्टर था उसमें भी हमने लर्न किया है ना कि we must brush, नहीं नेबरहुड में क्या हमने लर्न किया था कि we should clean our surrounding, हमारे जो आसपास की एरिया है हमें उसको क्या रखनी है, हमेशा क्लीन रखनी है। ओके, we must brush bath and exercise daily, वी मस्ट, हमें रोज क्या क्या चीज जरूरी है करना, ब्रश करना, बिना ब्रश के खाना नहीं खाते हम ना, ब्रश करना चाहिए, नहाना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए, ये करने से क्या होगा, हमारा जो बॉडी है वो क्लीन रहेगा एंड हेल्दी रहेगा, बात रोज नहाने से हमारा बॉडी क्लीन होगा, एक्सरसाइज करने से हमारा क्या होगा, हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा है ना। देन वी शुड वेयर क्लीन क्लोथ, हमेशा क्लीन क्लोथ पहनना चाहिए, वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, हमेशा हमारा जो सराउंडिंग है उसको क्लीन रखनी चाहिए। ओके, देन वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, ये तो हम सबको पता है, ये एक अच्छी आदत आती है, गुड हैबिट्स आती है ना, खाने से पहले और खाने के बाद हमें क्या करनी चाहिए, हैंड वॉश करनी चाहिए है ना, क्योंकि हम कहीं पे भी कुछ भी काम करते हैं वहां पे हमारा हाथ में जर्म्स लग जाती है, तो खाने से पहले और खाने के बाद टू टाइम्स हमें क्या करनी है, हैंड वॉश करनी होती है ना। यूज ए हैंडकरचीफ टू वाइप योर फेस, और फेस को पोंछने के लिए क्या चाहिए, हैंडकरचीफ, हम स्कूल में आते थे सबके पास आपका अपना अपना हैंडकरचीफ होता है ना, कोई भी हमें गंदा हो गया कुछ हो गया हम हैंडकरचीफ से और हैंकी से उसको साफ कर लेते हैं। टू वाइप आवर योर फेस और हैंड्स, हैंड्स और फेस को वाइप करने के लिए पोंछने के लिए हम क्या यूज करेंगे,
हैंग की यूज करेंगे. ईट फ्रेश एंड कवर्ड फूड. ईट फ्रेश एंड कवर्ड फूड. हमें हमेशा क्या करना चाहिए? वी शुड ईट फ्रेश एंड कवर्ड फूड. हमेशा फ्रेश एंड कवर्ड, जो चीज कवर्ड होते ना उसी को खाना चाहिए. बिन अनकवर्ड फूड नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारे जर्म्स आ जाते हैं ना. तो हमेशा हमारा जो फूड वो फ्रेश होना चाहिए एंड कवर्ड होना चाहिए. ओके तो आज का जो क्लास था उसमें हमने क्या लर्न किया? हार्ड वर्ड्स लिखा, एक्टिविटी किया हमारा बॉडी पार्ट का, और इसका एक्सप्लेन किया. क्या आई होप आप सबको समझ में आया होगा, क्योंकि आप सबको यूकेजी से भी आपको पता है जो हमारा बॉडी पार्ट्स है इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिया है, तो ऑलरेडी आपको पता ही है बहुत इजी चैप्टर है. ओके तो आज का जो क्लास है हम यहाँ पे फिनिश करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम और जो हमारा एक्सप्लेनेशन बाकी है वो करेंगे. ओके तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे.